हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गेहूं के आटे और सूजी का खजूरी बना रही हूं, मीठा वाला, जो कि मैंने पहले मैदा वाला बनाए थे। आज मैं गेहूं के आटे और सूजी का बना रही हूं खजूर, जिसके लिए मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 बड़ा चम्मच घी है, 1/2 कप रवा सूजी या सेमोलिना, 7 इलायची पाउडर बनाया हुआ है 1/2 छोटा चम्मच, और 1 बड़ा कप शक्कर का पाउडर मैंने बना लिए हैं, और पानी से गूंथना है इसको। अब इसमें गेहूं के आटे में घी डाल दिया और इस सूजी जो है उसको भी डाल दिया इसी में, और इलायची पाउडर, और शक्कर जो मैंने पीस के पाउडर बनाए हैं उसको भी डाल देना है। सबको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये शक्कर, सूजी, गेहूं आटा, इलायची पाउडर सबको और घी को भी अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा पानी एक ही बार में नहीं डालना है। ये खजूर बनाने के लिए आटे तैयार हो गए हैं, गेहूं के आटे का। अब मैं हाथ को पानी से अच्छा से धो लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले वीडियो जो मैं मैदे वाला बनाई थी उसमें इसका यूज किया था मैं। आप सांचा होता है एक लकड़ी का, उस पर भी बना सकते हैं, और इस पर भी बनाई थी। अभी मैं फॉर्क से बना के दिखा रही हूँ, फॉर्क से डिजाइन दे के। छोटा छोटा आटे का लोई लेना है, और इसको फॉर्क से ऐसे दबा देना है, डिजाइन बन गया। सबका ऐसे ही बना लेना है। अभी इसका राउंड शेप भी दे सकते हैं, इसको गोला गोली बना लेंगे ऐसे, और फिर इसको जो है ऐसे चाप सकते हैं। राउंड शेप का फॉर्क से ऐसे भी होल कर सकते हैं डिजाइन बना के। ऐसे मैंने 2 डिजाइन में राउंड वाला भी बनाई। फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। मैंने 2 शेप बनाई हूँ, 1 राउंड वाला और 1 ये लंबा वाला। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। अब मैं कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ इसको, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी। दूसरे साइड अब फ्राई करना है। दूसरे साइड में गैस फ्लेम को लो करके फ्राई करना है, जो अंदर तक अच्छा से फ्राई हो।
अभी साइड पलटी करके फिर दोनों साइड अच्छा से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर देना है। अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम गोल्डन लाल लाल देखने में कुकीज लग रहा है, फ्राई कुकीज यही है। अब इसको निकाल लेना है। इसमें फिर और जो बचा है उसको भी फ्राई करना है। अब मैं सारे खजूर को तल के फिर निकाल लूंगी। फ्राई हो गया अच्छे से, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।